प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। उत्तराखंड में सत्तारूढ़ भाजपा एक बार फिर से 2022 में मोदी मैजिक के सहारे सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देहरादून में विशाल जनसभा आयोजित की गई। प्रधानमंत्री की जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक ओर जहां उत्तराखंड से अपना गहरा लगाव बताया, साथ ही विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने इस दौरान धामी सरकार की पीठ भी थपथपाई। साथ ही प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड राज्य को 18,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। वहीं विपक्षी ने प्रधानमंत्री के देहरादून दौरे का विरोध किया। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए काले झंडे दिखाए। चंपावत के टनकपुर में सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ मां पूर्णागिरी धाम मंदिर समिति के पुजारियों ने देवस्थानम बोर्ड रद्द करने के मुख्यमंत्री के फैसले पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री की पत्नी से मिलकर आभार जताया है। तीर्थ पुरोहितों के हित में सरकार के फैसले पर सीएम का आभार जताने के लिए मंदिर समिति अध्यक्ष किशन तिवारी के नेतृत्व में मां पूर्णागिरी मंदिर समिति के शिष्टमंडल ने सीएम के आवास पर जाकर सीएम की पत्नी गीता धामी से मुलाकात की। मां पूर्णागिरी मंदिर कमेटी के हमारे कुछ पुजारीगण यहाँ पे आए हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक जो है देवस्थान बोर्ड पे कमेटी गठित की थी और उस कमेटी के द्वारा जो है सभी पुजारियों के हित में जो निर्णय लिया गया उसको स्वीकारते हुए आज समस्त हमारे पुजारी चार धामों के जो भी पुजारी हैं सभी में जो है बहुत ही उत्साह है, खुशी है और उसी का धन्यवाद करने। बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य के काफिले की लेबड़ा पुल के पास काले झंडे दिखाकर विरोध कर रहे कांग्रेस के दूसरे धड़ ने जमकर हंगामा किया। यहां उनकी गाड़ी रोककर तीखी झड़प भी हुई जिसमें काले झंडे दिखाने वाले समर्थकों ने 3 लोगों के साथ मारपीट भी की। उसके बाद अपने समर्थकों के साथ कैबिनेट मंत्री कोतवाली पर धरने पर बैठ गए जहां उन्होंने आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। 5 घंटे तक शहर में अफरा तफरी का माहौल रहा। स्थानीय यहां का विधायक चाहते हैं और ये दलपलटू आदमी है, गद्दार आदमी है, बाजपुर की जनता का गद्दार आदमी है जिसको जनता नहीं चाह रही है। जनता का आपने आज विरोध देख ही लिया है और आज शुरुआत है। 2-3 गांवों में कहा था तो लोग आए, हमको बुलाया, उन्होंने कभी हमने विरोध करना है, हम भी साथ में लगे और इसने आते ही यहाँ पे हम अपना शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, हमारे बंदे की इसने पगड़ी उतरवाई और बाद में इतना डरपोक आदमी गाड़ी में से नहीं निकला, इतना बड़ा बदमाश है। ठीक है, हम चाहते थे शांतिपूर्ण अपना विरोध करना चाहते थे, हम थाने जा रहे हैं, तारीख देके आएंगे, हमारे बंदे को चोटें लगी हैं, इन्होंने बदतमीजी की, हम जा रहे हैं थाने में, इसको बताएंगे, आगे वाला विरोध बताएंगे बाजपुर में, ये पगड़ी इसने उतारी, इसको सजा देंगे, पूरी सजा देंगे। बाजपुर थाना और थाने से लगभग 50 मीटर दूरी पर उसमें उस पर मेरे पुत्र संजीव आर्य पर, नरेंद्र सियाटी पर लाठी डंडों से तलवारों से लैस होकर हमला किया गया, हमला बोला गया और किसी हद तक जाने को तैयार थे। अगर हमारे साथी यार मोन भाई, उन्होंने हमारी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और गाड़ी दरवाजे तोड़ने लगे, हमारे साथियों ने अगर वहाँ पर दरवाजों के सामने खड़े होकर अपनी जान की परवाह न करते हुए लाठी डंडों से उन्हें पीटा गया, जान की परवाह न करते हुए उन्होंने हमें बचाने का काम किया। अगर वो नहीं होते तो शायद आज हम भी नहीं होते। उन्होंने तो आज हमें ऐसा समझ लिया कि शायद हम किसी अन्य देश से यहाँ लोग आए हुए हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि आप ठीक है, लोकतंत्र है, हम उनको भी कहते हैं वो विरोध करना चाहे करें, अपनी ताकत दिखानी है चुनाव में दिखाए ना, क्या लाठी डंडों से अपनी ताकत दिखाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे लोगों को शह देंगे? क्या वो चुनाव जीतने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाएंगे? हम आज भी ये फैसला
अपने मीडिया के साथियों पर छोड़ना चाहता हूं और भाजपुर की महान जनता के लिए के सामने छोड़ना चाहता हूं कि 2022 में आपने दो ताकतें देख ली, एक तरफ हम खड़े हैं और एक तरफ इस तरीके के तत्व खड़े हैं। जनता ने फैसला करना और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता बहुत सोच समझ कर आने वाले समय में 2022 का जब चुनाव का परिणाम आएगा ऐसे लोगों को मुँह तोड़ जवाती है। पदाधिकारी जी का कुछ सदस्यता अभियान है चल रहा था भाजपा में, उसमें इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कुछ लोगों के द्वारा, उसमें व्यवधान किया गया है और इनका जो काफिला था और इनके कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है मारपीट की, तो इसी संबंध में इनके समर्थक का जो अभियान है और इनके द्वारा जो है संबंध में तहरीर दी जा रही है, उस तहरीर पर जो है पुलिस अपनी जो है भाजपा में जो है विधि कार्रवाई कितने लोग उसमें सेक्शन संबंधी है तो उसमें सेक्शन लगाए जाएंगे और तकरीबन 10-12 लोगों को इन्होंने जो है नामजद किया गया है, तो उसमें जो है अवश्य जैसे मैंने कहा कि विधिक कार्रवाई पूरी की जाएगी, उसमें जांच की जाएगी और जांच के बाद जो विधि सम्मत और जो लीगल। हरिद्वार में एसपी सिंह इंजीनियर ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और इस सरकार ने देश को लूटने का काम किया है। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसी को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं विधानसभा ज्वालापुर से कांग्रेस की दावेदारी कर रहे एसपी सिंह इंजीनियर ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कहा कि भाजपा सरकार एक निकम्मी सरकार है जो देश को लूटने का काम कर रही है और युवाओं के बारे में इस निकम्मी सरकार को रोजगार दिलाने चाहिए। इसके आगे उन्होंने ये भी बताया कि भाजपा सरकार में महंगाई ने कमर तोड़ दी है। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो न तो वहां पर विकास सड़कें टूट फूटी हैं और न ही युवाओं के पास कोई रोजगार है। अगर मैं विधानसभा ज्वालापुर में विधायक के रूप में जनता के सामने आता हूं तो जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक में सभी समस्या है उनका सुधार किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मनोज आदली आपके साथ। आज बात करते हैं विधानसभा ज्वालापुर की। यहाँ विधानसभा ज्वालापुर पे दावेदारी कर रहे एसपी सिंह इंजीनियर से कुछ बात करेंगे विधानसभा ज्वालापुर को लेकर। जी बताइए। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत करता हूँ नौशाद भाई, आप लोग यहाँ पे आए और जो ज्वालापुर की आवाज़ है उसको आपने प्रसारित करने का काम किया। जहाँ तक ज्वालापुर विधानसभा की बात है, ज्वालापुर विधानसभा एक ऐसे क्षेत्र में आता है जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, घाट का क्षेत्र है। यहाँ पर रोजगार की समस्याएं, किसानों की अपनी अलग से समस्याएं हैं और यहाँ के लोगों की अपनी अलग समस्याएं हैं। ये एक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पहले तो आवागमन में ही बहुत दिक्कतें होती थी और किसानों को अपनी समस्याएँ कि उनकी फसलें, सबसे पहले सिंचाई की प्रॉब्लम वहाँ पे है, उसके बाद जब फसलें पैदा हो जाती हैं तो वो नष्ट हो जाती हैं, उनको जंगली जानवर नष्ट कर देते हैं, उनको बचा के रखना बड़ा मुश्किल काम है। उसके बाद उनके विपणन की जो बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पे जो फसलें उन्होंने पैदा की हैं उनको किस प्रकार से मंडी तक पहुँचाया जाए, ये समस्या है उन लोगों के सामने। जहाँ तक इस क्षेत्र के लोगों की रहने की और आवागमन की बात है, क्षेत्र के अंदर न चिकित्सा की सुविधा है न शिक्षा की सुविधा है। और अगर यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अगर कहीं बरसात के टाइम में या कहीं विकट परिस्थिति में यहाँ पे कोई प्रसूति की समस्या भी आ जाती है तो देहरादून, सहारनपुर और रुड़की के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं जाने का, कई बार तो रास्ते में ही मृत्यु तक हो जाती है। तो यहाँ पे चिकित्सा की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, लड़कियों की एजुकेशन के लिए यहाँ पे एक बड़ी आवश्यकता है। रास्ते इतने खराब हुए पड़े हैं कि पिछले जो हमारे विधायक हैं या हमारी जो सरकार है बीजेपी की, उन लोगों ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया। विधानसभा ज्वालापुर की जनता अगर आपका चेहरा विधायक के रूप में देखे तो मेन क्या मुद्दे होंगे आपके? देखिए, कांग्रेस का मुद्दा और मेरा मुद्दा एक मुद्दा है, वो सबसे पहला तो विकास का मुद्दा है। यहाँ पे विकास की आवश्यकता है, विकास होना चाहिए। नंबर दो हमारा ये रहेगा कि हम किस प्रकार से रोजगार सृजन युवाओं के लिए कर सकते हैं। हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए, वो किस प्रकार से किया जा सकता है। नंबर तीन, हम किसानों के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके जो पैदावार है उसके दाम किस प्रकार से उचित तरीके से दिए जा सकते हैं, उस पर काम करने की आवश्यकता है। मंडी समितियां और मंडी बनने की यहाँ पे कहीं आवश्यकता है, गाड़ के क्षेत्र में भी और खादर के क्षेत्र में भी, जिससे क्योंकि देखिए आप खादर और गाड़ दोनों में देख लीजिए, गन्ना प्रमुखता से पैदा किया जाता है, चरखियाँ मिलेंगी आपको। वो लोग क्या तो सिर्फ मिलों के ऊपर डिपेंड करेंगे कि मिल में टाइम पे पैसा मिल नहीं पा रहा है, 247 करोड़ अभी आज भी बकाया है मिल मालिकों के पास गन्ना किसानों का। तो
किस प्रकार से वो लोग अपने ढंग से यहाँ पे अपनी फसल का पैदा करके उसका दाम ले सकें, इसमें काम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब, आपके साथ जुड़े रहिए। रुड़की कांग्रेसी नेता सचिन गुप्ता ने खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए प्रोत्साहन के रूप में 24,000 धनराशि की भेंट की। इस मौके पर कांग्रेस नेता सचिन गुप्ता ने बताया कि कुछ खिलाड़ी इंटरनेशनल खिलाड़ियों के रूप में चुने गए हैं, जिनको हमारे जनप्रतिनिधि और सरकार किसी भी तरह से सहायता नहीं कर रही है, जिस कारण आज हमारे कार्यालय पर खिलाड़ियों का सम्मान करके 24,000 धनराशि का चेक खिलाड़ियों को भेंट किया गया। हमारी नेशनल टीम जा रही है उड़ीसा खेलने के लिए जा रही है, जूनियर सीनियर 48 बच्चे जा रहे हैं। उसमें क्या होता है कि रग्बी थोड़ा सा कॉन्टैक्ट गेम है, इसमें इंजरी के चांसेस भी बहुत होते हैं। तो जैसे कोई बाई चांस अगर कोई उसके बच्चों की इंजरी वगैरह होती है। खबर काला ढूंगी से है, जहां पर विकासखंड कोटाबाग में थाना दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान एसएसआई रमेश ने थाना दिवस गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें कोटाबाग के समस्त जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल और कई सम्मानित लोग उपस्थित रहे। वहीं कोटाबाग उप निरीक्षक महेंद्र राज ने एंड्रॉयड एप्लीकेशन के माध्यम से सूचना देना, फोटो खींच कर सेंड करना और 112 पर कॉल करना, तुरंत खबर देने जैसी कई बातें लोगों को समझाई और थाना दिवस के आयोजन के समय जनप्रतिनिधियों के साथ उप निरीक्षक महेंद्र राज, एसएसआई रमेश पंत और सिपाही मेघा चंद्र मौजूद रहे। उपनिरीक्षक महोदय द्वारा प्रत्येक महीने के प्रत्येक फर्स्ट शनिवार और अंतिम शनिवार को थाना दिवस हर क्षेत्र में मनाए जाने निर्देशित किया गया है। उसी संदर्भ में हम आज यहाँ कोटाबाग क्षेत्र में आए हुए हैं। हमारे द्वारा थाने से संबंधित या कोई भी शिकायत, किसी भी पारिवारिक समस्या हो या किसी कोई भी समस्या हो, उस संबंध में शिकायत के संबंध में मीटिंग की गई तथा नशे के संबंध में व्यापक रूप से सभी लोगों को बताया गया है। कोई भी शिकायत होती है वो 112 में बता सकता है या स्थानीय हमारे पर्सनल मोबाइल नंबर पर सूचना दे सकता है। सूचना देने वाले का नाम आज भी उत्तराखंड में मान्यता है कि पहाड़ी गांवों के खेतों में आषाढ़ के महीने में रोपाई की जाती है। आषाढ़ के महीने की 6 गते की रोपण को लेकर आज भी लोगों में माना जाता है कि इस दिन रोपाई के खेत में जीतू के प्राण 9 बैड़ी आछरियों ने हर लिए थे, जिसके कारण हर साल पहाड़ के सैकड़ों गांवों में हर साल जीत बगड़वाल की याद में बगड़वाल नृत्य का आयोजन किया जाता है। सितारगंज के सिख समाज के लोगों ने एसडीएम तुषार सैनी से मुलाकात करके ऐतिहासिक गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब की प्रबंधक कमेटी पर धांधली के आरोपी की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है, जिसका डीएम ने संज्ञान लेते हुए 3 सदस्य टीम गठित करके मामले की जांच के आदेश दिए, जिसमें एसडीएम सितारगंज को जांच टीम का सदस्य बनाया गया है। वहाँ पे कार्य हो रहा है, किस तरह से फाइनेंसेज यूज हो रहे हैं, इसके संबंध में कमेटी बनी है जिसमें मैं हूँ और अधिशासी अभियंता हैं और आपकी ट्रेजरी ऑफिसर हैं। उसी के संबंध में जो है हमारी जांच चल रही है और इस हफ्ते हम जांच को पूर्ण करके जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट जो है प्रेषित कर देंगे। सामने वो लोग आए थे तो उनको मैंने जो है वो निश्चिंत किया है कि जो जाँच होगी वो पूर्णतः निष्पक्ष रूप से होगी, यही उनका कंसर्न था कि जो जांच है वो निष्पक्ष हो, जिसके बारे में मैंने उनको मेरी जानकारी में जो आया था कि जो वहाँ पर निर्माण हो रहे हैं उनमें कोई टेंडर पास नहीं किए जा रहे, बिना नक्शे पास के वो काम किए जा रहे हैं और जो कि गुरुद्वारा नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, जो मजिस्ट्रेट द्वारा संकेत बिंदु दिए गए थे उनका उल्लंघन है। और इस विषय में मैंने डीएम उधम सिंह नगर को जांच के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, तो उस सिलसिले में हम एसडीएम साहब से मिलने आए थे कि इस मामले की जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो सिख संगतों तक उसका जो सच्चाई वो सामने। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।